हाय गाइस, गुड बर्थडे से अस्सलाम वालेकुम से अच्छा मालिकुम। कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम बैक टू माय मम्मास व्लॉग। यू वांट टू से दैट? हां बोलो। हां बोलो ना, बोलो बोलो। ओए कू रोडो, रोडो की एक्टिंग कर रहे हो, रोने की एक्टिंग है। और कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो टुडे इज फ्राइडे। ये फ्राइडे 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 इट्स फ्राइडे। सो बता, पूछो आप लोगों को कल गोलगप्पे वाला व्लॉग कैसा लगा? मुझे तो खा के बहुत मज़ा आया था। पूछो, आप पूछो उन लोगों से, पूछो व्यूवर्स से, आपको गोलगप्पे वाला व्लॉग कैसा लगा? हाँ मजा आया, गोलगप्पे हम लोगों ने खाए थे। हाँ चलो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, फिर मैं उठ गई थी और मैं गई किचन में, और जो कल वाला मेरे पास जो मिक्सचर रखा हुआ था सूजी और दही का, जो मैंने चीला बेसिकली बोलते हैं, और पैनकेक्स भी बोल सकते हैं, बट मीठे नहीं होते तो फीके होते हैं, तो आज थोड़ा सा अच्छा बना। देखो एक फिर भी टूट गया, लेकिन जब मैंने दूसरा वाला ट्राई किया तो वो वाला अच्छा हुआ, वो टूटा नहीं, माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरे ख्याल से कि सूजी को फर्मेंट होना था इसलिए, तो अब सही बना। ये मेरा हो रहा है नाश्ता। देखिए गाइस, सो फाइनली आज मेरा सूजी का चीला अच्छा बन गया है। तो मैं उसको फाइनली लाइक ऐसे तोड़ के चटनी के साथ खा सकती हूँ। कल भी टेस्ट में अच्छा था, लेकिन मुझे वो टूटा टूटा खाने में मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने उसको वेस्ट नहीं किया। मैंने कहा मैं बाद में ट्राई करूँगी, मे बी सूजी को फूलने के लिए वक्त चाहिए होएगा। तो आई थिंक दिस इज दैट वॉज द रीज़न, ये सूजी को अच्छे से फूलना चाहिए था। हालांकि मैंने 15-20 मिनट रखा था, लेकिन उसके इतना इनफ नहीं था, तो ये कल से रखा हुआ ना, तो अब अच्छा हो गया। चूजे ने नाई नाई कर ली। फिर ये नहा धोकर सो गए थे माशाल्लाह से आराम से। हाय गाइस, सो आई एम रेडी फॉर द जुम्मा। सो मैं वैसे इसमें नमाज, इस दुपट्टे में नमाज नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि ये हल्का है, बस मैं दिखाने के लिए आई हूँ। बहुत पीला पीला चेहरा लग रहा है लाइक खोलने के बाद भी। तो खैर, अभी बस थोड़ी देर में नमाज का टाइम होने वाला है, और मैंने यहाँ मीट गोश्त को निकाला है, इसको भिगो के रखा है। जब तक मैं नमाज़ पढ़ूंगी तो ये थाव हो जाएगा, फिर मैं बनाऊंगी आज गोट, और सोच रही हूँ दाल बना लूँ। तो बस मिलते हैं फिर देर के बाद। हाँ जी, सो बस नमाज वमाज पढ़ के मैं खाली हो गई, मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ मैंने निकाल के रखा है दही, प्याज, लहसुन, अदरक। और यहाँ मैं सबसे पहले सोचा कि चलो दाल को भिगो देती हूँ। मैंने दाल को मैंने अच्छे से वॉश की, इसको मैंने भिगो के रख दिया है, और चावल भी कंटेनर में खाली करके रख दिए हैं। और यहाँ मैंने प्रेशर कुकर में ही मैरिनेट करना था गोट को, उसके लिए मैंने सबसे पहले, जब तक मीट थो रहा था तो मैंने कहा चलो सारे मसाले इकट्ठा कर लूँ और फिर ये सब डालेंगे। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो एम्प्टी हो गई थी, लाइक खाली हो गई थी, उसको फिलअप करना था, तो फिर मैंने कहा चलो वो भी कर दूँ। नमक भी हमारा खाली हो गया था, और खेल करने के बजाय मैंने सोचा इसको किसी से काट के डब्बे को फाड़ी दो, और फिर निकल गया सारा 1 सेकंड में। तो खैर, यहाँ पे मैंने प्याज डाली, दही डाला है, अदरक लहसुन डाला है, और सारे मसाले डाले हैं, जिसमें नमक, कसूरी मेथी, काली मिर्चें, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, क्रश एंड सारे गरम मसाले भी डाले। मैंने क्रश धनिया डाला था उसके अंदर, हल्दी, मिर्चें, नमक, और थोड़ी सी मैंने फ्राइड अनियन भी डाली थी। गोश्त तो हो गया था, फिर मैंने उसके अंदर गोश्त डाला, उसको मैरिनेट किया। अगर आपके पास टाइम हो तो आप 1 घंटा मैरिनेशन करने के लिए इसको रेगुलर चूल्हे पे पकाएं, प्रेशर कुकर में नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो फिर मैंने बस मैरिनेट किया, 5-10 मिनट रखा, और उसके बाद कर लिया उसको, और प्रेशर कुकर लगा के 3-4 सीटी में, और फिर इसको थोड़ा सा भून लिया, तो ये रेडी हो गया है। यहाँ पे आप लोग रेडी देख है, सकते हैं। और दाल मैंने अब बनाने के लिए रखी है प्रेशर कुकर में, और ये रेडी है। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी अदरक डाल दी है और हरा धनिया, बस कुछ भी नहीं डाला ऊपर से। तो गाइस, मेरी दाल भी रेडी है, देखो हरा धनिया नहीं, पुदीना नहीं था, तो मैंने बस हरा धनिया ही डाल दिया चने की दाल में, ठीक है। तो मेरा खाना रेडी है, चावल भी रेडी हो गए हैं, और ये रहा गोश्त, दाल, चावल। यहाँ चल रही है चला हुआ, और मुन्ना बैठ के सुन रहा है ना, सुन रहे हो? ये कमरे हैं, रोज आ रहे हैं, लेकिन मैंने इसको बिठा हुआ है, अभी बैठे रहे थोड़ी देर तक,
चलो खाना खाते हैं और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। हाँ जी गाइस, सो आई एम बैक और मेरा मुन्ना को देखो यहाँ पे कैसे लेटा है मेरे साथ। और खाना मैंने खा लिया है, गुड, अच्छा बनाए, लेकिन वो जो जल गया था ना उसकी वजह से उसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब लग रहा था। बाकी दाल तो बहुत मज़े की बनी है और चावल तो अच्छे होते ही हैं, चावल तो सादे ही होते हैं। तो बस अभी मैं बैठी हूँ, बोर हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने अभी खाना भी खाया और मैं जिम जाऊँ और क्या नहीं। लाइक खाने के फ़ौरन बाद जा सकते हैं और क्या नहीं जा सकते, बट खाने के बाद होता है ना इंसान लेज़ी होता है, तो बस वो लेज़ीनेस भी हो रही है। और क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, दोपहर का खाना नहीं खाया, अभी मैंने 5 बजे 5:30 बजे जो खाया बस एक टाइम खाना खाया है, तो क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने दोपहर का नाश्ता खाना नहीं खाया ना, तो मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैंने खाना खा लिया। मैं सोचा जिम बाद में चली जाऊंगी, लेकिन अब मैं हो रही हूँ लेजी। हैं भाई, आपको कुछ बोलना है? बोल दें आप भी। इनको कुछ नहीं बोलना अभी, ये थोड़े से बड़े हो जाएं फिर ये बोलेंगे, ठीक है? थोड़े से बड़े हो जाएं फिर बोलेंगे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो चलो फिर थोड़ी देर में मैं भी सोचती हूँ मैं क्या करूँ, जिम जाऊँ और क्या नहीं। मिलते जी। तो आखिरकार इतनी सोच विचार करने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो मैं जिम जाती हूँ। और मैं जिम गई क्योंकि मैं बहुत लेट गई थी, तो वहाँ पे बहुत सन्नाटा था, बस नीचे ही लोग खेल रहे थे और ये देखो मेरा वीडियो के चक्कर में हम लोग जिम से वापस आ गए थे और ये कैमरा देख के कोशिश कर रहे हैं। hey, तुम सामने भी देख सकते हो। सो अब हो गया, कहाँ जा रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं? आए मेरा मुन्नी, मेरी छोटी सी जी दादू, मेरा बेटा। क्या करना है मेरे बेटे को, रो रहा है बस, ये ना पता नहीं इसको क्या करना है, रो जा रहा है बस। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो अंदर तो मैं एक सेकंड के लिए वैसे बैठ नहीं सकती थी, अब मैं यहाँ आके शुक्र है बैठ सकती हूँ क्योंकि ये बैठ गया है और फिर ट्री देखने में लगा है। चलो गाइस, नौ बज गए और वो सो गया, उसको सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आ रही थी, आ रही है अभी भी, लेकिन मुझे जुम्मा बाजार हटाना है यहाँ से पहले उसके बाद जाके मैं सोऊंगी। बड़ा तंग किया इसने मुझे आज, खैर रहा है। खाना पीना मेरे को खाना सारा रखना है फ्रिज में यार, बर्तन धोने उसके बाद बस यार मैं भी सूंगी। आई थिंक मुझे नींद आ रही है क्योंकि उसने सुबह मुझे जल्दी उठा दिया था। तो चलो फिर मैं व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू। ये मेरे मुन्ने ने दूध गिराया मेरे ऊपर, पत्नी कहाँ कहाँ। तो खैर है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय गाइज़, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।